हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय और आप सबका संजय पोल्ट्री एंड फार्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अपनी जो कलर वीडियो फिश थी जो मैं लेकर आ रहा हूं, जो मेरी नई हॉबी स्टार्ट की है मैंने, वो है। तो इसमें मैं आपको लोगों को बताना भूल गया था, एक रेयर फिश भी है। तो वो रेयर फिश आप देखिए, ये वाली है मैरून वाली। इसमें एक मैरून फिश है जो कि बहुत ही रेयर होती है। ये किसी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है ये वाली। ये मैरून है, इसमें पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की जो होती है वो वाली नहीं है, ये मैरून कलर वाली है। इसमें हमने जो डाली है, अभी मैं इसको हाथ से थोड़ा करके देखता हूँ, अगर पकड़ी में आएगी तो बहुत तेज है, बहुत सुपर फास्ट है ये। मेरे पास में अभी नेट नहीं है जिससे मैं इसको पकड़ पाऊँ इजिली। ये वाली देखिए, थोड़ा इसको शांत होने, ये देखिए आईज इसकी ब्लू है, ग्रीन है, और कलर इसका मैरून है, और ये मेल है। ठीक है फ्रेंड्स, मेल थोड़ा पतला होता है और फीमेल थोड़ी मोटी होती है, और जब वो एग लोडेड पे आ जाते हैं तब इजीली पता लग जाता है। फीमेल का पेट थोड़ा फुला हुआ होता है और मेल का पेट कम फुला हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा फुला हुआ होता है नाम नाम का ही। और जब उसको आप भूखा रखेंगे तो मेल का पेट बिल्कुल चिपका हुआ मिलेगा आपको। और ये वीडियो का अपडेट ये दे रहा था कि इनको 5 दिन हो चुके हैं, पहले ये खाना नहीं खा रही थी, अभी मैं दूसरा खाना लेके आया हूँ। तो देख सकते हैं, ये एक ये वाला खाना है, ये इसका ब्रीड मेरे को पता, इसका कंपनी मेरे को पता नहीं, लेकिन ये बहुत महंगा खाना है। मैं थोड़ा सा लेके आया हूँ वाला, मैं खाना लेके आया था तो मैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आया था, इसलिए थोड़ा लेके आया हूँ कि ये वाले दाना मेरे फिश खा पाएगी या नहीं खा पाएगी। तो ये वाला दाना बड़ी फिश के लिए है, तो इसीलिए ये मैं थोड़ा सा लेके आया हूँ। और ये थोड़ा खा लेती है इस दाने को, लेकिन थोड़ा भी नीचे पड़ा है फिर भी ये इसको खा रही है, तो हम ये वाला ही दाना लेके आएंगे और इसको मैं थोड़ा चूरा करके देता हूँ। आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि ये दाना मैं इसको कैसे खिलाता हूँ। और तब तक आप ये देखिए, इसमें अभी तक अंडे नहीं आए हैं, 5 दिन हो चुके हैं, और 2 फिश हमारी फुल्ली लोडेड है। ये वाली फिश देख सकते हैं आप, ये वाली कितनी मोटी लग रही है, ये फुल्ली लोडेड है। ये वाली देखिए, ये वाली फुली लोडेड है अंडे से, और एक ग्रीन वाली, ये वाली आपके पास में जा रही है, देखिए ये वाली थोड़ी फुली लोडेड है, ये वाली फुली लोडेड है। थोड़ा कैमरे में फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 फिश फुल लोडेड है एग से, और 3 मेल हैं, 4 फीमेल हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें जो कि आप देख पा रहे हो, जो पतले हैं वो मेल हैं और जो मोटे होते हैं वो फीमेल हैं। और इसमें हमको क्या करना है फ्रेंड्स, पहले तो इसका जो गंदगी है वो साफ करेंगे हम। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है नीचे, इसमें देख पा रहे होंगे आप वीडियो में, ये देखिए ये सब गंदी है। तो ये जब अंडे देने वाले ही हैं 1 या 2 दिन में, तो अंडे दे देंगे तो ये गंदगी साफ नहीं की जाएगी और अंडे हमारे फंगस से ख़राब हो जाएंगे। तो इससे पहले ही हम इसका ये गंदगी साफ करके पानी चेंज कर देते हैं 30%। तो आप मेरे साथ में बने रहिए, तो मैं आपको उसके लिए पहले इस टब को थोड़ा खिसका लेंगे हम नाले की साइड में। ये देखिए ये टब है, ये मैं ऐसे का ऐसा भी उठा लेता हूँ, ऐसे उठा के इसको थोड़ा नाले की साइड में लेके जाता हूँ और पाइप से इसको साइफन कर देते हैं। तो देखिए, ये मैंने मच्छर का लार्वा बनाया हुआ है, इस पर भी अलग से वीडियो आएगी कैसा बनाया, कैसा क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है। 3 दिन ही हुए हैं, इसमें अभी तक लार्वा नहीं बना है, जब बन जाएगा तब इस पर पूरी डिटेल आपको मैं वीडियो दूंगा। अभी इसमें नहीं बना है तो इसको हम रखते हैं साइड में, क्योंकि ये सक्सेसफुल रिजल्ट आने के बाद ही आपको दिखाएंगे मच्छर का लार्वा। मच्छर का लार्वा बनने से ये फिश को अच्छा प्रोटीन मिलेगा, वही खिलाएंगे इसको। तो चलिए अभी हम इसको उठा के थोड़ा साइड कर लेते हैं, ताकि पूरा घर हमारा गंदा ना हो पानी से। पाइप छोटा है मेरे पास में, आप देख सकते हैं, ये छोटा सा कूलर का पाइप है, इसी से ही मैं साइफन करता हूँ। तो साइफन कैसे करते हैं देखिए, पहले इसको पूरा पानी से भर लेंगे हम, ये पानी से भर के दोनों कोनों को हम दबा लेंगे और फिर दोनों एक साथ इसमें छोड़ देंगे। ये देखिए, ये एक साथ छोड़ने से इधर पानी आ गया फ्रेंड्स, और ये देखिए इसमें, देखिए ये गंदगी, देखिए कैसे गंदगी खींच रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा गंदगी इसने खींच लिया है। तो जिनको नहीं पता है उसको साइफनिंग बोला जाता है, इससे नीचे का गंदगी, नीचे नीचे साइफन करने से पूरा नीचे का गंदगी निकल जाएगा, आपका ऊपर का पानी ज़्यादा खराब भी नहीं होगा।
जहाँ जहाँ गंदगी दिखे आपको उधर उधर ये पाइप लेके आपको जाना है और सब गंदगी बाहर निकाल देना है। पानी की चिंता मत कीजिए, 30% पानी हमको निकालना है इसमें से ताकि हम नया पानी ऐड कर पाएँ, क्योंकि हमने इसमें ऑक्सीजन पंप नहीं दिया है, इसलिए हर 2 दिन के बाद बाद में मैं इसका 30% पानी चेंज कर रहा हूँ ताकि पानी में ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। लीजिए, हो गया पानी, लगभग 25% हमने पानी निकाल दिया है इसका और पानी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे से पूरा गंदगी निकल चुकी है। अभी हम इसमें नया पानी ऐड कर देंगे, तो देखते रहिए मेरे साथ में। मैं इसको फिर से उठा के वापस उधर लेके जाऊंगा और इसमें हम नया पानी ऐड करेंगे। थोड़ा रिस्की वाला काम है, पंप पाइप थोड़ा बड़ा लेके आना पड़ेगा। जब हमारे पास में दूसरा एक्वेरियम रहेगा तब प्रॉब्लम नहीं होगी, तब हम पाइप थोड़ा बड़ा ले आएंगे, तब इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। तो देखिए ये साइड में ही सिंक है हमारा इसमें, और इसमें ही आगे पाइप लगा लेते हैं हम। और ये देखिए, ये आ गया पानी। बस नॉर्मली हमें ऐसे ही पानी ऐड करना है। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर से ऐड इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो और ऑक्सीजन भी बन जाए, क्योंकि इसमें बुलबुले बनेंगे तो ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन से ये हेल्दी रहेंगी और थोड़ा बिहेवियर भी अच्छा रहता है इनका, मतलब थोड़ा हेल्दी फिश रहेंगी इससे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसे पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, वो सब मेरे बताइए। मैं लगभग आप साथ में छोटी छोटी डिटेल शेयर करने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कुछ भाई सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने पिछली वीडियो में मनी प्लांट डाला था, वो किधर गया? तो देख सकते हैं ये मनी प्लांट हमारे पास में इधर ही है। ये मैंने रात में अलग निकाल दिया था क्योंकि पानी गंदा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अलग निकालना ही ठीक रहेगा। इसको पानी में ही डाल के रखा था मैंने। तो देखिए, ये हम क्या करेंगे, अभी फिर से इसके अंदर ही डाल दूंगा मैं ताकि फिश को थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा लगे और इसको भी थोड़ा लगे कि हाँ भाई, हमारे पास भी नेचुरल एनवायरनमेंट है और इसको भी थोड़ा हाइडिंग स्पेस वगैरह मिले। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें वही से डाल दिया है और ये कितना अच्छा लग रहा है आप बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको पसंद आया। तो ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो हमारे पास में अभी फ्लोटिंग प्लांट नहीं है, हम बिल्कुल ही कम बजट में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे बजट बढ़ाए के थोड़ा थोड़ा हम इस पे लगाएंगे बजट को। तो आप देख सकते हैं फिश पूरा हेल्दी है, खेल रही है और एक दूसरे का पीछा कर रही है। तो मेरे को लग रहा है 1 या 2 दिन और लग जाएंगे इसको आराम से अंडा देने में। तो जब ये एग ले कर देगा, अंडा दे देगा और अंडा से बच्चा निकल जाएगा, उन सब पे पूरा डिटेल वीडियो आएगा मेरे पास में। तब तक आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं खुद ही इंतज़ार कर रहा हूँ कब ये अंडा देगा कब नहीं देगा। तो मेरे को भी नहीं पता है कब अंडा देगा, बाकी मैं जितना हो सकता है उतना ट्राई कर रहा हूँ मेरी तरफ से इसको हेल्दी रखने का। जब तक ये हेल्दी रहेगी, खाती पीती रहेगी, तब तक हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए, दाने का भूल गया था मैं, तो दाना आपको दिखाता हूँ। ये वाला इसका दाना है और हम इसमें 14-15 दाने निकाल लेंगे। ये देखिए, बस इतना सा ही लेना है, इतनी 7 फीस के लिए दाना, लगभग 14 के आसपास दाना लेना है क्योंकि बड़े दाने हैं। इसलिए छोटे दाने होते तो भी मैं लगभग 15-20 ही दाना लेता है, थोड़ा बड़ा है थोड़ा कम लिया है। अभी इसको क्रश कर लेंगे। ये एक्चुअली इसका दाना नहीं है इसलिए क्रश करना पड़ रहा है, नहीं तो क्रश नहीं करता मैं। तो ईजिली इसको क्रश कर लेंगे किसी ग्लास से या फिर किसी को कूटने वाले से, तो मैं आपको क्रश करके लाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद में हम इसको ऐसे ही पानी के अंदर डाल देंगे। तो ये अभी खाती नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दाना जब नीचे चला जाएगा पूरा तब खाएंगी। थोड़ा इनका भी नखरा है तो हमें भी इनका ध्यान रखना पड़ेगा, नखरे थोड़े झेलने पड़ेंगे क्योंकि हम इनका ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे दाना नीचे जाता रहेगा, धीरे धीरे करके ये पानी में गीला होगा और ये नीचे जाएगा और उसको ये खाएंगे। तो ये आराम से 15-20 मिनट में इसको दाने को आराम से खा लेंगे, बाकी तो 5 मिनट में या 1 या 2 मिनट में दाने को खा लेना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ही दाना डाला है मैंने और ये 5 मिनट में इस दाने को खा लेंगे। और आप देख सकते हैं हेल्दी है, कैसे घूम रही है, वो देखिए, वो खाया इसने अभी अभी। जैसे दाना नीचे जा रहा है ये लोग उस दाने को खा लेते हैं। तो बस यही इतना सा वीडियो था, मैंने आपको सब डिटेल दे दी है अभी तक की जितना भी डिटेल था। और वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट में मेरे को बताइएगा, और जैसे ही इसका नेक्स्ट अपडेट आता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
तो फ्रेंड्स मैंने देखिए 10 मिनट के बाद में फिर से जो बचा हुआ जितना दाना था 10-15 मिनट के बाद में वो सब वापस निकाल दिया है ताकि पानी क्लियर रहे और पानी के अंदर अमोनिया ना बने, क्योंकि बचे हुए दाना अगर पानी में पड़ा रहेगा तो उससे अमोनिया बन जाती है और उससे फिश मर जाती है। तो आपको भी ऐसे हमेशा पानी साफ रखना है जिससे फिश हेल्दी रहेंगी आपकी। ओके फ्रेंड्स।